दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं कोई रेसिपी डालूं। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं ये यूजुअली बहुत बनाती हूँ घर पे, चिकन। आई लव चिकन, बट दिस टाइम मैं जो बनाने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ड्रम स्टिक्स। तो चिकन लेग्स, जो कि बेसिकली मैं एक फ्राई टाइप का ये डिश बनाती हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है विथ चपाती, विथ रोटी, विथ फुल्का। आप इसे खा सकते हो, पूरी के साथ खा सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सी रेसिपी मैं आज बनाऊंगी। सो दिस इज द स्टार्च चिकन ड्रमस्टिक, और नेचुरल है ये। एंड ये मैंने लिया है, कितने ग्राम्स का है ये, फ्रोजन है, मैंने जस्ट इसे फ्रीजर से निकाला है। एंड तो इसको मैं पानी में रख के आपको बताती हूँ। अभी देख लीजिए, मैंने इस तरीके से जो है इसको एक मैंने वो ले लिया, बाउल ले लिया, उसमें पैन में जो है मैं इसे इस तरीके से डाल रही हूँ। सो ये इससे क्या होगा, जो है सारा जो आइस वगैरह है ना, वो सब मेल्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो थोड़ी देर में जो ये डिफ्रीज हो जाएगा। सो ये डिफ्रीज करने का एक तरीका होता है। सो इसको मैं लगभग लाइक 20 to 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी इसमें। देन विल स्टार्ट विद द रेसिपी। तो दोस्तों, आधा घंटा लगभग हो गया है, चलिए अभी देख लेते हैं। इसको डीफ्रीज हमने अच्छे से यहाँ पे कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है नरम हो चुका है चिकन, सारा जो है इसका आइस पिघल चुका है। और अगर आप चाहो तो इस प्लास्टिक कवर को निकाल के भी कर सकते हो, बट आधे घंटे में ही काम हो जाता है, इसका जो इसका ओरिजिनल इसका फॉर्म है वो उसमें आ जाएगा। एंड नाउ इट्स रेडी टू कुक। और अभी मैं इसे क्या करूंगी, मैरिनेट दिस, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या मसाले डालती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मैरिनेशन की तरफ। यहाँ पे तो चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो, नाइसली वॉश्ड फ्रेश चिकन, चिकन ड्रमस्टिक्स, चिकन लेग्स। तो अभी इसको जो है मैरिनेट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कुछ मसाले हैं जो मैं इस्तेमाल करूंगी। ये एवरेस्ट हॉट चिकन मसाला इस्तेमाल करूंगी। देन आई एड सम जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस डलेगा इसमें, गर्म मसाला पाउडर, 4 हरी मिर्ची डालूंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज तंदूरी चिकन मसाला जो इसमें मैं ऐड करूंगी। सो ये बेसिकली मैं एक सिंपल सी आपको रेसिपी बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं जो चिकन ड्रमस्टिक्स बनाती हूँ। और एक और जो चीज है इसमें डलता है कर्ड, बट अभी मेरे पास कर्ड नहीं है, सो आई विल गो विथ वॉट एवर आई हैव। सो अगर आपके पास कर्ड है, आप प्लीज कर्ड जरूर डालिए, बिकॉज कर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रेसिपी, और बहुत अच्छा फ्लेवर और जूस उसमें बनता है। बट आई विल नॉट यूज कर्ड फॉर दिस टाइम, मैं जस्ट सिंपल नॉर्मल मसाले से ही इसे बनाऊंगी। सो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ, सो दिस इज 1 टेबल स्पून फुल ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट दैट आई एम एडिंग चिकन। देन ये हरी मिर्चें भी मैं डाल रही हूँ, 4 हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए, अदरवाइज इट्स फाइन। देन आई विल एड सम सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट डालिए। देन इसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी। देन इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर, ये अगर कश्मीरी मिर्च हो तो और अच्छा इसमें कलर आता है। एंड देन मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, ये हो गया। देन आई विल गो विद द गरम मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, चिकन मसाला अराउंड 1 टेबल स्पून, एंड देन अभी हम डालते हैं तंदूरी चिकन मसाला। और ये तंदूरी चिकन मसाले का जो है 1/2 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है। मैंने इसमें ऐड किया है 2 से 3 टेबल स्पून जो है क्रीम के, तो दूध में जो है परत जमती है ऊपर क्रीम की, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास दही नहीं है आप इसे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज दही के आप 2 टेबल स्पून बड़े वाले, 2 से 3 आप इसमें ऐड कर सकते हो। देन अभी बारी आती है लेमन की, तो लेमन इसमें मैं स्क्वीज कर दूंगी, इसके अंदर 1/2 लेमन का जूस जो है स्क्वीज कर रही हूँ। और अभी इस सारे मसाले को आई यूज माई हैंड्स एंड देन मिक्स, क्योंकि हाथों से जो मिक्सिंग होती है वो अच्छे से होती है। सो हाथों की मदद से ही मैं सारे मसाले को मिक्स करके जो है इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे।
लगभग जो है आधा घंटा, या देख लीजिए अच्छे से सारे मसाले को जो है लेग्स पे, ड्रमस्टिक्स पे कोट करना है इस तरीके से, और ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसे जो है हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे मैरिनेशन के बाद, अच्छे से उसे कोट करके इस तरीके से मैंने इसको मैरिनेट कर दिया अच्छे से सारे मसाले को कोट करके। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर पे आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपको कुछ स्पेशल डिश बनानी है, यू जस्ट कुक दिस वन, और ये गैस पे बन जाता है। ऐसा नहीं कि आपको तंदूर की रिक्वायरमेंट होगी, अवन में भी बन जाएगा, तंदूर में बन जाएगा, बट मैं इसे गैस पे सिंपल सा शैलो फ्राई करके बना देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर, कितना कलरफुल लग रहा है। तो मैं आधा घंटा भी छोड़ दूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके दोस्तों, सो दिस इज द करंट स्टेटस ऑफ द चिकन। आधा घंटा हो गया है मैरिनेट करके। नाउ अभी मैं इसे इस पैन में जो है शैलो फ्राई करूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द प्रोसेस। दोस्तों ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल लिया है, लगभग 2 बड़े टेबल स्पून, और अभी मैं इसमें जो है ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये मैं इसमें डाल दूंगी। मैं अभी आपको बताती हूँ। फ्लेम को जो है मैं हाई कर दूंगी यहाँ पे, एंड आई लेट इट कुक नाइसली। दोस्तों ये देखिए मैंने इसको दूसरी तरफ पलट दिया है, कुछ ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट के बाद ये ऊपर से रोस्ट हो गया, अब नीचे से रोस्ट हो रहा है। तो 5-10 मिनट और लगेंगे, एंड दिस भी डन। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो यू कैन सी दोस्तों ये ऑलमोस्ट डन है, इसका समय पानी डाल रही हूँ क्योंकि मसाला जो है जले ना। हल्का सा मैंने पानी डाल दिया इसमें, और फिर अबाउट लाइक 5 मिनट्स और मैं इसे पकाऊंगी। दोस्तों आपको दिखाती हूँ, विच इज द लास्ट फेज, और ये परफेक्टली कुक्ड है। आप इसका टेक्सचर यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज परफेक्टली कुक्ड, यहाँ पे भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और मैं पीछे से भी आपको बता देती हूँ, ये देखिए पीछे से भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो दिस इज परफेक्टली डन, और गैस को मैं अभी ऑफ कर देती हूँ। ये जो थोड़ा थोड़ा सा नीचे हल्का सा मैंने ग्रेवी टाइप मसाला दिया है नीचे थोड़ा सा, ये जो रोटी वगैरह के साथ जब हम खाएंगे, नान खाएंगे, फुलका खाएंगे, तो उसके साथ जो है थोड़ा सा मसाला साथ में आता है तो अच्छा लगता है। सो दिस इज़ माई रेसिपी। बताना आपको कैसे लगी, बहुत ही सिंपल, क्विक एंड ईजी रेसिपी है। डू ट्राई दिस एट योर होम और मुझे बताना। एंड मेरी सब्सक्राइबर है भूमिका, काफ़ी दिनों से मुझे बोल रही थी कि रेसिपीज़ कीजिए, और भी आप लोग काफ़ी लोग मुझे बोलते हो रेसिपीज शेयर करने। सो हियर आई कम विद दिस रेसिपी, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर द रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। हैप्पी कुकिंग, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।